बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। प्लीज़ वीडियो को आज तक क्लास में देखना। गैर मर्दों के साथ हम बिस्तरी करने वाली शकीन औरतें में से तीन निशानी होती हैं। नाज़रीन, ज़्यादातर औरतें ऐसी होती हैं जो गैर मर्दों के साथ नजायज जिंसी और जिस्मानी तल्लुक बनाती हैं, लेकिन इनका अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल होता है क्योंकि मर्द औरत की चाल चलन को भी नहीं पहचान सकते और ना ही इसके जिस्म से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औरत का कब तक और कितनी इस्तेमाल हो चुकी है। लेकिन आजकल इस वीडियो में हम आपके साथ हमस्त्री की शकीन औरतों की तीन बाजी निशानी शेयर करेंगे जिसकी बदौलत आप औरत की नजायज जिस्मानी तल्लुकात का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर एक, छातियां लटकी हुई होंगी। गैर मर्दों के साथ हम बिस्तरी करने वाली शकीन औरतों की पहली निशानी ये है कि ऐसी औरतों की छाती आम औरतों की बनस्पत साइज में बड़ी होगी। इसकी छाती ढीली, काली और लटकी हुई होगी क्योंकि औरत जब हम बिस्तरी के दौरान मर्द औरत की छाती को चूसता है तो औरत की छाती इंतहाई नरम और नीचे लटक जाती है, जो कि औरत की वाज़ेह निशानी होती है कि औरत इस्तेमाल हो चुकी है। नंबर दो, पीछे वाला हिस्सा बड़ा होगा। गैर मर्दों के साथ हम बिस्तरी करने वाली शकीन औरतों की दूसरी निशानी ये है कि ऐसी औरत का पीछे वाला हिस्सा यानी हिप साइज में काफी बड़े होते हैं, क्योंकि जो औरतें नजायज तल्लुकात बनाती हैं अमूमन ऐसी औरतों के हिप्स बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि ऐसी औरतें बाज़ोकात गैर मर्दों के साथ पीछे के रास्ते में भी हम बिस्तरी करती हैं जिसकी वजह से औरत के हिप्स साइज में काफी बड़े हो जाते हैं। नंबर तीन, होंठ बड़े होंगे। गैर मर्दों के साथ हम बिस्तरी करने वाली शकीन औरतों की तीसरी निशानी ये है कि ऐसी औरत के होंठ साइज में बड़े और गुलाबी होंगे, क्योंकि हम बिस्तरी के दौरान मर्द ऐसी औरत के होंठों को चूमता और चूसता है, दांतों से काटता है, जिसकी वजह से औरत के होंठ साइज में काफी बड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सारे शेयर मेरे चैनल को सपोर्ट करें। शुक्रिया।